अमेरिका के एक शॉर्ट सेलिंग ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने रविवार को 413 पन्नों का एक विस्तृत जवाब जारी किया। इस जवाब में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को भारत, उसकी संस्थाओं और उसके विकास की कहानी पर एक सोचा समझा हमला बताया गया। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइफ टीवी। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को बौखलाहट में डाल रखा है। अडानी ग्रुप अब इनके जवाब में अंधभक्तों जैसी बातें करने लगा है, ठीक वैसे ही जैसे अंधभक्त भगवा गैंग वाले पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण को भगवा रंग की बिकनी में देखकर बौखला उठे थे और इसे सनातन का अपमान बता डाला था। बावजूद इसके पठान तो सुपरहिट हो गई। वहीं ठीक उसी तरीके से अडानी ग्रुप का जवाब भी हिंडनबर्ग को भेजा गया है और इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप पर इन्होंने जो खुलासा किया उससे भारत पर हमला हुआ है, भारत की अखंडता पर हमला है, भारत के विकास पर हमला है। यानी अंधभक्तों के ग्रुप में अडानी ग्रुप भी अब शामिल होता दिखाई पड़ रहा है। अब इनके लिए ट्विटर पर भी ट्रेंड चलाए गए हैं, वो हम आगे बताएंगे। फेक आईडी बनाकर अडानी ग्रुप के सपोर्ट में खूब बातें की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसका सही जवाब देने की जगह अडानी ने भी अंधभक्तों वाला रास्ता कैसे चुना, कैसे इसे भारत पर हमला बता दिया। किसी कंपनी ने कोई गड़बड़ी की है, निवेशकों का पैसा डुबोया है, तो उसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जवाब देने की बजाय उसे भारत पर हमला बता देना, राष्ट्रवाद से जोड़ देना, देशभक्ति से जोड़ देना, ये कौन सा तरीका है, ये किस ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अडानी ग्रुप को कटघरे में खड़ा होकर जवाब देना चाहिए था कि आपने निवेशकों के लाखों करोड़ डुबो दिए, आप अपने खुद की कंपनी में इतना बड़ा खेल कर रहे थे, तो उसे आप भारत की अखंडता से, भारत पर हमला से कैसे कनेक्ट करने लगे। इस वजह से हिंडनबर्ग ने भी इनको जवाब दिया कि राष्ट्रवाद की आड़ में आप अपनी करतूतों को ना छुपाए। हम आपको वो एनडीटीवी का वीडियो दिखाते हैं जिसमें अडानी ग्रुप का जवाब है हिंडनबर्ग को कि क्या कुछ इन्होंने कहा है, कैसे इसे राष्ट्रवाद से बहुत ही चालाकी से अडानी ग्रुप ने जोड़ दिया है। जरा सुनिए एनडीटीवी पर इस खबर को। अमेरिका के एक शॉर्ट सेलिंग ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने रविवार को 413 पन्नों का एक विस्तृत जवाब जारी किया है। इस जवाब में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को भारत, उसकी संस्थाओं और उसके विकास की कहानी पर एक सोचा समझा हमला बताया गया है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि अमेरिकी फर्म द्वारा ये रिपोर्ट वित्तीय फायदे के लिए एक फॉल्स मार्केट तैयार करने के गुप्त मकसद से तैयार की गई। तो देखा आपने अडानी ग्रुप का जवाब कितनी चालाकी से भरा हुआ है। यानी जो अंधभक्त करते रहे हैं, बात बात पर फिल्मों का बॉयकॉट इसलिए करते हैं कि कभी उनके भगवा का अपमान होता है, कभी हिंदुत्व का अपमान हो जाता है, इस वजह से वो लोग सीधे इसे पूरे देश से जोड़ देते हैं। ठीक उसी तरीके से अडानी ने भी, अडानी के ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ उस छटपटाहट में रास्ता निकाला कि क्यों ना इसे देशभक्ति से जोड़ दिया जाए, भारत देश पर हमला बता दिया जाए। या भारत के नागरिकों को घाटा हो रहा है, उनके पैसे डूब रहे हैं जो अडानी ग्रुप में लगाए हुए होंगे और इन कंपनियों ने अपने शेयर को ओवर वैल्यूड किया, पूरी कंपनियां कर्ज में भयंकर डूबी हुई है। सबसे बड़ी बात, चिंता तो लोगों को LIC की हो रही है। LIC ने अपना कितना हजार करोड़ तो अडानी के कंपनी में पंप कर रखा है, अब यह अडानी ग्रुप घाटे में जा रही है, तो फिर ऐसे में जनता का पैसा भी तो बर्बाद हो रहा है। फिर ये देशभक्त राष्ट्रवाद का ये कौन सा शतरंज वाला खेल खेलने लगे हैं अडानी ग्रुप वाले, समझ से परे। इस मामले पर विनोद कापड़ी ने एक ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने जानकारी दी, लिखा जवाब देते हुए कि हेलो अडानी, एक प्राइवेट कंपनी पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप भारत पर हमला नहीं है, ना अडानी भारत है ना कोई और लाला, अपने कर्मों के लिए महान देश की आर मत लीजिए, कोई और वक्त होता तो अब तक ना जाने कितनी एजेंसियां पीछे लग गई होती और वित्त मंत्री का तो इस्तीफा हो गया होता। निश्चित तौर पर अगर वक्त दूसरा होता जहां पर लोग नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा तक दे देते थे, वो दौर शायद अब खत्म हो गया।
अब यहाँ पर ढीठ की तरह लोग खड़े होकर सामने आते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, प्रपंच रचते हैं। अडानी ग्रुप भी इससे अब अछूता नहीं रहा, क्योंकि मोदी राज में ही इनकी नेटवर्थ जो है वो रॉकेट के स्पीड से भागी, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने, फिर घटते घटते तीसरे चौथे पर आए। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया उसके बाद सीधे ये सड़कते हुए आ गए सातवें नंबर पर। इस वजह से बौखलाहट है, छटपटाहट है, और वो क्या कुछ कह रहे हैं जो आपने भी एनडीटीवी पर सुना, हम उसको एक खबर के रूप में भी आपको दिखाते हैं। दैनिक भास्कर में उनके बयानों के बारे में चर्चा की गई है कि उन्होंने हिंडनबर्ग को क्या जवाब दिया और फिर हिंडनबर्ग ने इनको क्या जवाब दिया, वो भी दिखाते हैं। इसलिए अपने स्क्रीन पर अब आप दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन में लिखा, अडानी ग्रुप बोला हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत पर हमला, 413 पन्नों के जवाब में कहा आरोप झूठे। हिंडनबर्ग ने बोला राष्ट्रवाद की आड़ में धोखाधड़ी ना छिपाए, जो आपने अपने कंपनियों में गड़बड़ियां की हैं उसे ना छिपाए। अब जरा तार्किक तौर पर देखिए, अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग को कैसे गोलमोल जवाब दिया। बातें तो इतनी कह दी कि इनकी रिपोर्ट अधूरी है, सच से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी तरफ इनका आरोप यह भी है अडानी ग्रुप का कि हिंडनबर्ग ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे रिपोर्ट बनाकर तैयार कर दिए। लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रवाद से जोड़ा तब इसको लेकर सवाल खड़े हो गए कि भैया अडानी ग्रुप वाले आप भी अंधभक्त हैं क्या, लोगों को बरगला रहे हैं कि आपके सपोर्ट में खड़ा होकर हिंडनबर्ग को गाली दे और आपकी गलतियां छुप जाए। ऐसा संभव नहीं होता है, इस रिपोर्ट पर एक ठोस जवाब की जरूरत है। देखिए अडानी ग्रुप ने क्या कहा है, अडानी ग्रुप का हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जवाब। अडानी समूह ने जवाब में लिखा कि यह रिपोर्ट किसी खास कंपनी पर किया गया बेबुनियाद हमला नहीं है, बल्कि यह भारत पर किया गया सुनियोजित हमला है। देखिए बड़ी चालाकी से इन्होंने कहा कि यह मेरी कंपनी पर हमला नहीं, यह भारत पर हमला है। यह भारतीय संस्थानों की आजादी, अखंडता और गुणवत्ता पर किया गया हमला है। यह भारत के विकास की कहानी और उम्मीदों पर हमला है। बड़े बड़े लच्छेदार बातें कर रहे हैं। इनका जवाब विनोद कापुरी ने दिया कि अडानी भारत नहीं है, आप अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश ना करें, राष्ट्रवाद का आर लेकर धोखाधड़ी को ना छिपाए, जैसा कि विनोद कापुरी साहब ने और हिंडनबर्ग ने खुद भी कहा। तो अडानी ग्रुप तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचेगी ही, वही स्थिति है। अब देखते हैं हिंडनबर्ग के बारे में उन्होंने और क्या कहा है। अडानी ग्रुप ने कहा कि अडानी समूह ने अपने जवाब में हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। ग्रुप ने कहा कि जब अडानी समूह का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, जो कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, तो उससे ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट जारी करके हिंडनबर्ग ने अपनी बदनीयती का सबूत दिया है। रिपोर्ट ना स्वतंत्र है ना निष्पक्ष है, ऐसा अडानी का कहना है। इनको जवाब दिया हिंडनबर्ग ने। अब जरा देखिए, हिंडनबर्ग ने कहा धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता है। अडानी ग्रुप हमारी रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बता रहा है। अडानी ग्रुप अपने और अपने चेयरमैन की बढ़ती हुई आय को भारत के विकास के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम इससे सहमत नहीं है। फिर उन्होंने भारत की तारीफ की है, उन्होंने कहा है कि भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर है, भारत लोकतंत्र की विभिन्नताओं को समेटे हुए है। तमाम तरीके की बातें उस हिंडनबर्ग ने भारत के बारे में कही है। इसलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की आड़ में आप अपनी धोखाधड़ी को ना छिपाएं। अब तो मिर्ची तो लगेगी। फिर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हुआ जिसे मोहम्मद जुबैर ने पकड़ा है। उन्होंने बहुत सारे लोगों के ट्वीट का कोलाज किया और दिखाया कि कैसे फेक आईडी से, क्यूट आईडी से अडानी के सपोर्ट में ट्वीट किए जा रहे हैं। हम आपको कुछ ट्वीट्स उनका भी दिखा देते हैं, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यूं तो मोहम्मद जुबैर ने बहुत सारे ट्वीट किए, बहुत सारा कोलाज बनाया कि अडानी ग्रुप के बारे में क्या चल रहा है, लेकिन इस मामले में हम आपको कुछ ट्वीट्स दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, फेक ट्रेंड अलर्ट, अ लॉट ऑफ फेक अकाउंट्स विद QDPs आर टारगेटिंग हिंडनबर्ग रिपोर्ट बाय ट्रेंडिंग अ हैशटैग इकोनॉमी विल नेवर डाई व्हाइल डिफेंडिंग सपोर्टिंग मिस्टर अडानी, हियर आर फ्यू ट्वीट्स। उसमें आप देखेंगे प्रियांशी, गुड़िया, कोमल, लीजा, प्रिया, कोमल, इतने सारी लड़कियों के क्यूट क्यूट आईडी बताए गए हैं और सब पे अडानी के बारे में लिखा हुआ है। फर्जी खबरों की दुनिया में अडानी ग्रुप में
विदेशी निवेश सच्चाई और भरोसे के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। विशेषज्ञों के फैसले पर भरोसा करें, हिंडनबर्ग के प्रचार पर नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रस्टेबल मोमेंट फॉर अस टू द अडानी ग्रुप। द अडानी ग्रुप हैज रिजन टू पावर। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द इंडियन मार्केट हैज प्लमिनेटेड एज दे सेइंग गोस। तो इस तरीके के बहुत सारे ट्वीट हैं जो आप देख रहे हैं। यह फर्जी खबरों का अंबार है जिस पर अडानी को सपोर्ट और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लतार लगाने के लिए किए जा रहे हैं। अब ये इसके पीछे कौन से अंधभक्त हैं ये तो अडानी ग्रुप वाले ही बताएं। अचानक से कोई इनके सपोर्ट में इतनी सारी आईडी बनाकर कैसे ट्रेंड चला सकता है। खैर, अंधभक्तों की कैटेगरी में हमें लगता है अडानी ग्रुप भी आकर खड़ा हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच सबसे आगे।